अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल क्यूजिंस। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बैगन का भरता। उम्मीद है ये रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ हमने लिया है एक बड़ा बैंगन और साथ में तीन टमाटर, एक अखा लहसुन और 8 से 10 हरी मिर्चें। अब हम बैंगन, टमाटर और मिर्चों को अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर देंगे। लहसुन को हमें ऑयल ब्रश नहीं करना है। ऑयल ब्रश करने के बाद हमें कट्स लगाने हैं। तो बैंगन में हमने कम से कम 1 इंच डीप हमने कट्स लगाया है। इस तरह से कट लगा दें। उसके बाद हमने टमाटर में भी कट लगाया है। टमाटर में ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना है, बस हल्का सी इस तरह से स्लिट करें ताकि ये रोस्ट होने के बाद अच्छी तरह से पील ऑफ हो जाए। और मिर्चों को हमने इस तरह से बीच में से स्लिट कर लिया है। अब एक नेट स्टैंड पर हमें बैंगन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब बैंगन अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तब हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि ये आसानी से अच्छी तरह से पील ऑफ हो जाए। इसके बाद हम टमाटरों को और साथ ही मिर्चों को और लहसुन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें रोस्ट किए हुए बैंगन और टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है पील ऑफ करके, और लहसुन और मिर्ची को अलग से हम क्रश कर लेंगे। अब एक वोक में 1/3 कप ऑयल हीट करें और उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करें, और जब ये अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑफ स्लाइस्ड अनियन। इसे हल्का सी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश्ड जिंजर। अब इसे भी अच्छी तरह से सॉटे कर लें। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ रोस्टेड चिली और गार्लिक, और इसे भी अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही ऐड करें सॉल्ट टू टेस्ट। वन टू टू मिनट्स के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैश किया हुआ टमाटर और बैंगन, और इसे भी मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चॉप्ड कोथमीर, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और 5 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है अच्छी तरह से स्टर करते हुए। फाइव मिनट्स के लिए स्टर करते हुए भुने। उसके बाद जब इस तरह तरी आ जाए तब हम इसे फ्लेम ऑफ करके सर्व करेंगे।
अब मज़ेदार सा गर्मा गर्म बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे सर्व करें और गर्मा गर्म रोटियों के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।